ओम शांति। आज है 1 फरवरी 2023 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। प्रश्न, ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? उत्तर, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, सुदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसे सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा, यही मेहनत है। प्रश्न है, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? उत्तर, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है, दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहां देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं, नजर पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नजर जाती है। यहाँ तुम्हारी नजर किसी देहधारी पर नहीं जाती है, तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना, सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं। मनुष्यों की मर्तबे पर, जाति पाति पर नजर जाती है। यह हिंदू है, यह मुसलमान है, नजर वहां चली जाती है। यहां तुम्हारी नजर जाती है शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं, अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं। और कोई ऐसे कह ना सके कि हे बच्चों, तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब यह गीत भी सुना, गीत तो है पास्ट का। ऐसी जगत अम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया जिसके मंदिर भी हैं, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है, भक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं। सब भगवान है, यह तो रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके, वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो, नरक की धन दौलत में दुख है। भल धनवान है परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूखे मरते हैं। तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह है बेहद का बाप, वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप हैं जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। भल राजाएं हैं, वह भी हद के हो गए। हद का अल्पकाल का सुख है। यह बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आते हैं, समझाते हैं। भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बन पड़े हैं। नरक में है दुख, बाकी ऐसे कोई नदियां आदि नहीं हैं जैसे रौरव नरक, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। यह तो सजाएं खानी होती हैं, तो वह रोचक बातें लिख दी हैं। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे तो वह अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सजा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है, फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत इजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं, शिव पर देवताओं पर झट बलि जाते हैं।
तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवे। वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं, वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होती है, जैसे कोई कोई स्त्री पति के पिछाड़े सती हो जाती है वह बात अलग है। समझते हैं हम पतिलोक में जाएंगी क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया है, शास्त्रों में भी है कि पतिलोक में जाती है, परंतु वह पति तो कामी ठहरा, फिर भी इसी मृत्युलोक में ही आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह जगत अम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालनकर्ता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता। अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। यह है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति साथ, वह है शिव बाबा। वही पतियों का पति पिताओं का पिता है, सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं वह सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसरी मत ही देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुलटी मत देते हैं। समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़े ही है। शरीर निर्वाहार्थ तो वह राइट है, वह पुरुषार्थ तो करना ही है। उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वाह के लिए, शास्त्रों की पढ़ाई भी है निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ, वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50 कोई 100 कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों आदि को। तो यह सब करते ही हैं पेट के लिए। संपत्ति बिगड़ तो सुख होता नहीं, धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में, इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते थे, परंतु छूट नहीं सकते, बाकी पवित्र रहते हैं। पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, यह भी भारत को सुख देते हैं। यह पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैश्यालय बन जाता। पवित्रता सिखलाने वाले एक यह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, दूसरा है बाप। वह है निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, यह है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया 50 वर्ष पुराना, आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसे है, एकदम नई दुनिया में सुख होता है फिर आधा के बाद पुरानी होती है। गाया भी जाता है सत्युग में अथाह सुख है, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं, पतित रावण ने किया है जिसका बुत जलाते हैं, यह बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए, बहुतों को दुख होता है। रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं द्वापर से यह भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है, ज्ञान से दिन भक्ति से रात।
अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगदम्बा है कौन यह भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं है कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूझे हुए हैं, वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक है, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो जो पास्ट में जगत अम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था, तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है, सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है, यह भी नोंद है। परम पिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो, हम हैं बेहद के। हमको बाप राजयोग सिखलाते ही तब हैं जबकि तुम्हारा हठयोग पूरा होना है। हठयोग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते, तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है। कुमारियां तो हैं ही पवित्र कमल फूल समान, बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो, शंख बजाओ ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बिगर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो, बाप को याद करो। जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है ना, अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राजविद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे, अच्छा समझो। पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाएगी। कोई इम्तिहान पास कर लंदन गया वहां मर पड़ा तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वह है ही विनाशी पढ़ाई, यह है अविनाशी पढ़ाई, इसका कभी विनाश नहीं होता। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वह है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो। पता नहीं कितना समय चले, यहाँ तो सर्टेन है। इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है, समझते हैं गुरु से शांति मिली। अरे यहाँ थोड़ी ही शांति हो सकती है, ऑर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, यह ऑर्गन्स है, काम नहीं करना चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं, बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाएं। भल कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकता। यहाँ बाप को याद करने से विकर्माजीत बनते जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं, करके विकर्म भी विनाश होंगे, डबल फायदा होगा। पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं, सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश हो नहीं सकते। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय है नहीं। अभी यह वृद्धि बंद होनी है, गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती न हो। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं, ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है इसलिए गफलत मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, शरीर से डिटैच हो अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। नंबर दो, अविनाशी प्रालब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। वरदान, ऊंचे स्टेज पर रह प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। माया जीत तो बन रहे हो लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा, ओम शांति। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, ओ सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, ओ सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा। रोज हमें श्रृंगार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। झुलाते हो पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो
पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना, साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तेरा प्यार।